सालमारी के ढोलमारा मैदान में संविधान बचाओ देश बचाओ को लेकर जबरदस्त जनसभा किया गया। जन्नत को सलामत रखना, मुझे लगे कि आप खड़े हैं, आपका जोश शामिल हो मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं पिछले 58 दिन से थका हुआ लगातार सफर कर रहा हूं। मैं किसी मुशायरे में नहीं गया, मैंने नहीं पढ़ी कहीं जाके शायरी किसी मुशायरे में, क्योंकि मैंने लोगों से कहा कि इस वक्त मेरी जरूरत मुशायरों को नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की सड़कों को है। मुझे वहां जाके नारे लगाने हैं, मुझे आवाम के साथ खड़ा होना है, क्योंकि मैं आवाम का शायर हूं। लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं खड़ा था पहले दिन, फारूक भी वहां मौजूद थे। मैं खड़ा था पहले दिन जब जामिया की निहत्थी बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, तब मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा था, और तब से आज तक यहां खड़ा होकर के ये नज़्म पढ़ रहा हूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल ची। देखिए, वो जाहिर सी बात है कि इस जमहूरियत में सबसे खुशी की बात यह है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। हमें इस कानून, कोई भी गलत कानून के खिलाफ लड़ने की और उसके खिलाफ बोलने की हमारे पास आज़ादी है। लेकिन एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आज़ादी तभी ख़त्म हो जाती है, डेमोक्रेसी तभी ख़त्म हो जाती है जब हमसे और आपसे बोलने की आज़ादी छीन ली जाती है। तो आज हमारी बातों को, हमारी वॉइसेस को दबाने के लिए बहुत सारी कोशिशें ये कर रही है सरकार। जैसे डॉक्टर कपिल खान को महाराष्ट्र से जो अभी 5-10 तारीख को बेल मिलना था, बेल मिला ही नहीं, तो उससे पहले उनके आने से लगा दिया। आप देख रहे हैं कि कितना 29 लोग यूपी के अंदर क्या कहते हैं वो शहीद हो गए। एक 4 महीना का बच्चा शहीद हो गया। जामिया की एक बच्ची ने अपनी आँखें खो दी, एक भाई ने हाथ खो दिया। लेकिन देखिए, हमें क्योंकि इस देश को आज़ाद करने की लड़ाई में जो भी शामिल थे उसने हमें सबक दिया है। सबक ये दिया है कि आज़ादी बहुत सस्ती चीज़ नहीं है। आज़ादी को पाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको गोलियां खानी पड़ती है, आपको लाठियां खानी पड़ती है। और हमें पता है कि इस तमाम तरीके से हमारे पुरखों ने ये देश आज़ाद कराया, और इस आज़ादी को आज़ाद हिंदुस्तान बनाए रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, हम मरेंगे।